सावन के महीने में शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फायदा होता है? नंबर एक, शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से कानूनी झंझट से मुक्ति मिलती है एवं आपको वित्तीय समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। नंबर दो, शिवलिंग पर गाय का देसी घी चढ़ाने से दुर्बल शरीर से मुक्ति मिलती है और शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। नंबर तीन, शिवलिंग पर प्रतिदिन चावल के 5 दाने चढ़ाने से शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नंबर चार, शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से परिवार में मिठास रहता है और धन की समस्या भी नहीं होती। नंबर पाँच, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय सोने, चांदी या तांबे के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। स्टील या सिल्वर के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर छः, शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाने से विवाह से संबंधित जो भी समस्या है वह समाप्त हो जाती है। नंबर सात, तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। नंबर आठ, शिवलिंग पर जो चढ़ाने से लंबे समय से चल रही परेशानी दूर हो जाती है। नंबर नौ, शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। नंबर दस, शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। नंबर ग्यारह, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर बारह, शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से टीबी, मधुमेह की समस्या से राहत मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।